नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों आज है 19 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों बिना समय गमाए चलिए शुरू करते हैं और आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले हम लोग कल का रिविजन कर लेते हैं। तो कल के रिविजन में क्या है, सोमालिया के नए राष्ट्रपति हसन शेख महमूद। सोमालिया जो है अफ्रीकी देश है, हॉर्न कंट्रीज का सदस्य है। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो एलिजाबेथ बॉर्न बनी है और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं इमैनुअल मैक्रो। पोप फ्रांसिस द्वारा घोषित प्रथम भारतीय संत, तो दोस्तों देवासहायम पिल्लई। अगर पूछे तो ये भारत के कहाँ के रहने वाले थे, तो ये तमिलनाडु। और कन्या अगर शहर का नाम दे तो कन्याकुमारी। बैडमिंटन कप की बात करें, दोनों कप थॉमस कप और उबेर कप, ठीक है। तो थॉमस कप जो होता है पुरुष के लिए, उबेर कप महिला के लिए। आयोजन कहाँ हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में। थॉमस कप किसने जीता, भारत ने इंडोनेशिया को हराकर। और उबेर कप किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करें तो 16 मई को मनाया जाता है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन कौन बनाए गए हैं, तो राजीव रंजन और सीति कांठा पटनायक बनाए गए। ग्लोबल 2000 सूची 2022 जारी हुई है, किसने जारी किया है, तो फोक्स ने जारी किया है। इसमें शीर्ष कंपनी कौन बनी है, तो बर्कशायर हैथवे जो कि अमेरिकन कंपनी है। बात करें भारतीय कंपनियों में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज 53वें स्थान पर रही है। नाटो में शामिल होने के लिए सहमत देश, कौन कौन से देश नाटो में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, तो ये है फिनलैंड और स्वीडन। और रूस ने फिनलैंड को चेतावनी भी दे दी है कि अगर तुम नाटो में शामिल हुए तो यहां से जो भी हम छोड़ेंगे वो जाके यूक्रेन के साथ साथ फिनलैंड में भी गिरेगा, ठीक है। तो फिनलैंड को भी रूस ने समझा दिया है, अब फिनलैंड के ऊपर है कि नाटो में शामिल होगा या नहीं। बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास कहां पर किया गया, तो ये लुम्बिनी नेपाल में किया गया। और दोस्तों किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कल का विशेष। तो गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनारा में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया और उसका प्रतीक क्या है, पीपल, जिसे बोध वृक्ष कहा जाता है। शब्दावली देख लेते हैं, महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया कहां, सारनाथ में। बात करें सबसे ज्यादा कहां उपदेश दिया, तो श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ठीक है, ये कहां हुई, कुशीनारा या कुशीनगर में। इसका प्रतीक क्या है, स्तूप इसका प्रतीक है, ठीक है। इतनी सारी चीजें कल के विशेष पॉइंट्स की थी। अब दोस्तों आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और दोस्तों जितने भी हमारे साथी ये सेशन देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम परिवार ज्वाइन कर ले, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अब लिंक शायद काम करने लगा है तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो हमने बताया था आपको कि ये बनाए जाएंगे और अभी क्या हुआ, बन गए, कौन, नवीन श्रीवास्तव। किसके स्थान पर, विनय मोहन क्वात्रा जी के स्थान पर बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा क्या बने हैं, ये विदेश सचिव बन गए हैं। किसके स्थान पर, हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पर। और हर्षवर्धन श्रृंगला क्या बने हैं, G20 में भारत की तरफ से समन्वयक बनाए गए हैं। बात आई नेपाल की, तो देख लेते हैं नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और हाल ही में आपने देखा कि बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास कहां किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है। और किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बात करें भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो सूर्य किरण होता है। अगला प्रश्न आपका कि 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसको बताया गया था दोस्तों कि कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हो रहा था। विजेता कौन बना है दोस्तों, तो विजेता बना है उड़ीसा। किसे हराकर बना है, कर्नाटक को हराकर बना है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब उड़ीसा की बात आई, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, कहा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का उद्घाटन हुआ है। बात करें उड़ीसा में ही 2023 का हॉकी विश्व कप, क्या
हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा, कहां पर होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला में, भुवनेश्वर और राउरकेला में मिलाकर होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप उड़ीसा के बारे में भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय शेयर बाजार, ठीक है। तो भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं, दो शेयर बाजार सूचकांक है, कौन कौन से? एक है BSE और एक है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देखिए जो NSE है ये भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, और BSE जो है ये एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। इतना याद रखेंगे कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कंपनी कौन है? BSE। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं SS मुंद्रा। कौन बने हैं दोस्तों? SS मुंद्रा बने हैं। बात करें देखिए BSE का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1875, मतलब एशिया का पहला है, देखिए कितना पुराना है, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए ये भारत का सबसे बड़ा बन गया है और ये क्या है? सबसे पुराना है, ठीक है। अब देखिए इनके सूचकांक भी होते हैं, BSE का सूचकांक क्या है और NSE का सूचकांक क्या है, ठीक है। तो NSE का जो सूचकांक है इसे निफ्टी कहा जाता है, क्या? निफ्टी। और इसका जो है BSE का है इसे सेंसेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे, BSE का सूचकांक सेंसेक्स और NSE का सूचकांक निफ्टी। अब दोस्तों नियुक्ति की बात हुई तो नियुक्ति के बारे में और देख लेते हैं। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष विश्वास पटेल बनाए गए हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव बजाज बनाए गए हैं, और एयर इंडिया के MD एंड CEO कौन बनाए गए? कैंपबेल विल्सन बनाए गए। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों 18 मई को, और इसकी थीम क्या है 2022 की? संग्रहालय की शक्ति, पावर ऑफ म्यूजियम, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मतलब वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है, कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 17 मई को मनाया गया। थीम क्या थी इसकी? डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग, ठीक है। तो ये रहा इसका थीम। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मैंने बताया था कि बधिर ओलंपिक जब समाप्त होगा तो आपको इसके बारे में पूरी सूचना दी जाएगी। तो अब जो है बधिर ओलंपिक समाप्ति हो गई, अब देखते हैं कि कौन शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर रहा है दोस्तों यूक्रेन 138 पदकों के साथ। यूक्रेन और रूस का विवाद काफी दिनों से चल रहा है, ठीक है, युद्ध काफी दिनों से चल रहा है, उसके बावजूद यूक्रेन ने बढ़िया प्रदर्शन किया है 138 पदकों के साथ, 62 गोल्ड, 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज के साथ 138 पदक, ठीक है। अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है 55 पदक के साथ, और ईरान तीसरे स्थान पर रहा 40 पदकों के साथ। बात करें भारत की तो भारत 8 स्वर्ण 1 रजत और 8 कांस्य के साथ कुल 17 पदक जीता और 9वें स्थान पर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत का स्थान, ठीक है। भारत ने कितने पदक जीते ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका आयोजन स्थल देख लीजिए, आयोजन स्थल कहां था? कैक्सियस डूसुल, ये कहां का शहर है? ब्राजील का शहर है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। संस्करण की बात करें तो ये 24वां संस्करण था, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। भारत ने कितने पदक जीते, किस स्थान पर रहा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 17 पदक और 9वां स्थान। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, L&T स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी कंपनी ने बनवाया। तो देखिए दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो L&T लिमिटेड के नए MD CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं SN सुब्रमण्यम AM नाइक के स्थान पर। कहां? SN सुब्रमण्यम AM नाइक के स्थान पर बने हैं। तो ये हैं SN सुब्रमण्यम, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं नियुक्ति की बात हुई है तो अन्य नियुक्तियों को देख लेते हैं। एयर इंडिया के MD CEO अभी पीछे आपको बताएगा कैंपबेल विल्सन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के MD CEO रंजीत रथ, और बात करें मारुति सुजुकी इंडिया के MD एंड CEO कौन बनाए गए? तो हिसासी टेकुची बनाए गए हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। चलिए
अगला हमारा प्रश्न है 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022, ठीक है, विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किसने की है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, ये वानिकी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ी सभा होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों अध्यक्षता की दक्षिण कोरिया ने, किसने की, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दोस्तों सैमसंग का फोन जो आप चलाते हैं, ठीक है, वो भी कहां की कंपनी है, वो भी दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। अब दोस्तों बात करें, देखिए ये विश्व वानिकी कांग्रेस किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा आयोजित की जाती है। बात करें FAO के द्वारा आयोजित की जाती है तो कब कब, तो दोस्तों ये 6 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है, ठीक है, तो 6-6 साल के अंतर पर आयोजित की जाती है। और अब की साल आयोजित हुई तो इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट, पहली बार 1926 में इसका आयोजन किया गया था। बात आई दोस्तों दक्षिण कोरिया की, ठीक है, तो देखिए दक्षिण कोरिया, अभी हाल ही में आपको पता चला कि उबेर कप 2022 किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, यून सुक योल बने हैं। और नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश भी कौन बना है, दक्षिण कोरिया ही बना है, ठीक है। बात करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दोनों के बीच में एक रेखा है जिसे कौन सी रेखा कहते हैं, 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन, कितने, $350 मिलियन के सहायता की घोषणा की है। देखिए दोस्तों परियोजना कौन सी है, श्रेष्ठ परियोजना, ठीक है, और ये कहां की है, गुजरात की, मतलब कि ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है, और इसके लिए विश्व बैंक ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है, तो $350 मिलियन, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि श्रेष्ठ परियोजना है क्या, आप गुजरात याद रखेंगे, श्रेष्ठ परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को चलाई गई थी। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए श्रेष्ठ योजना चलाई गई। बात हुई अनुसूचित जाति के छात्रों की, तो आपको पता है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, एक योजना चलाई गई, कौन सी योजना थी, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, कहां पर शुरू की गई, तो ये वाराणसी में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ₹75,000 की सहायता राशि रहेगी। अब दोस्तों गुजरात की बात आई, तो आप गुजरात के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले दूधवाड़ी, ठीक है, जब जो कि सामुदायिक रेडियो है, भारत का पहला सामुदायिक रेडियो दूधवाड़ी, ठीक है, ये गुजरात के बनासकांठा में। बात करें गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। और गुजरात के भरूच में ऊर्जा प्रवाह नामक एक जहाज को तटरक्षक बल द्वारा शामिल किया गया है। और गुजरात के सूरत में ही दोस्तों स्टील रोड भी बनाई गई है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और गुजरात के बनासकांठा में गुजरात सरकार व BSF के द्वारा सीमा दर्शन योजना भी चलाई गई। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार, अजय पीरामल को, ठीक है, किसे, अजय पीरामल को। अब पुरस्कार की बात हुई तो और देख लेते हैं, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ये दोस्तों आर्किटेक्चर का पुरस्कार है, क्या है, आर्किटेक्चर का पुरस्कार है, ठीक है। अब दोस्तों किसे दिया गया, तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया। प्रिटजकर पुरस्कार 2022 जो कि सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर पुरस्कार माना जाता है, डी फ्रांसिस केरे को दिया गया। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसे दिया गया, तो अमर मित्रा जो कि बंगाली लेखक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि पहली बार दिया गया, किसे, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो ये रहा आपका पुरस्कार का रिवीजन। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कहां पर सुपोषित मां अभियान का दूसरा चरण, ठीक है, कहां शुभारंभ किया गया है। तो सुपोषित मां अभियान ये दोस्तों देखिए कोटा राजस्थान में शुरू किया गया है। इसका पहला जो चरण था वो 1 मार्च 2020 को शुरू किया गया था, दूसरा चरण है 17 मार्च 2022, ठीक है, 17 मार्च 2022 को शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया, कोटा राजस्थान में, किसके द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला जी के द्वारा शुरू किया गया। बात करें दोस्तों इसमें क्या है, तो दोस्तों 9 माह तक गर्भवती महिलाओं को
पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी, क्या पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरे चरण में दोस्तों, पहले चरण में 10,000 महिलाओं को और दूसरे चरण में 3,000 महिलाओं का टारगेट रखा गया है ये पोषण किट उपलब्ध कराने के लिए। तो ये है आपका सुपोषित माँ अभियान का दूसरा चरण, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, 75वां कांस फिल्म महोत्सव, ठीक है, कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी आपको बताया गया था कि कान फिल्म महोत्सव जो शुरू हो रहा है 75वां, वो कहां पर शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये है फ्रांस, कहां, फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों, पेरिस, ठीक है। तो ये फ्रांस में शुरू हो रहा है। बात करें कि क्या विशेष है, तो पहली बार इसमें ऑनर कंट्री को चुना गया है, और पहली बार चुना गया, और पहली बार में ही किसे चुना गया, तो भारत को चुना गया है, ठीक है। तो ऑनर कंट्री के रूप में किसे चुना गया, भारत को चुना गया है। और जूरी सदस्यों में कौन सी अभिनेत्री शामिल की गई हैं, तो ये हैं दीपिका पादुकोण, ठीक है। कान फिल्म महोत्सव के जूरी सदस्यों में किसको शामिल किया गया है, दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के हाल ही में नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, एलिजाबेथ बॉर्न बनी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, FATF का भी मुख्यालय है, और FATF के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो टी राजा कुमार बनाए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब दोस्तों आज का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं दोस्तों नवीन श्रीवास्तव, ठीक है। 24वां बधिर ओलंपिक 2022, तो इसका आयोजन कहां हुआ, कैक्सियस डूसुल ब्राजील में। यूक्रेन प्रथम स्थान पर रहा 138 पदकों के साथ, और भारत 17 पदकों के साथ 9वें स्थान पर रहा है। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना है, उड़ीसा किसे हराकर, कर्नाटक को हराकर, और इसका आयोजन कहां हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो SS मुंद्रा बने हैं। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो 18 मई को, और इसकी थीम क्या थी, संग्रहालय की शक्ति, द पावर ऑफ म्यूजियम। लार्सन एंड टुब्रो के CEO MD कौन बने हैं, तो SN सुब्रमण्यम बने हैं। और विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किसने की, तो दक्षिण कोरिया ने इसकी अध्यक्षता की है। श्रेष्ठ परियोजना की बात करें, तो इसे हाल ही में विश्व बैंक द्वारा $350 मिलियन सहायता राशि की घोषणा की गई है। ये केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को कहां चलाया गया था दोस्तों, तो ये चलाया गया था गुजरात में, कहां, गुजरात में, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब देखिए ये क्या है, तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई है। अगला, सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार किसे मिला, तो अजय पीरामल को मिला है। सुपोषित माँ योजना का दूसरा चरण कोटा राजस्थान में शुरू किया गया, किसके द्वारा, तो ओम बिरला जी के द्वारा शुरू किया गया है। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहां पर शुरू किया गया, तो फ्रांस में, और ऑनर कंट्री के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो भारत को शामिल किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं आज के विशेष में दो सूचकांक रखे गए, ऐसे सूचकांक जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको याद भी है, लेकिन यहां पर कुछ और भी चीजें आपको बताई गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत का 150वां स्थान रहा है, 142वां स्थान तक 2021 में। कुल 180 देशों की रेटिंग की गई, और सबसे लास्ट में कौन रहा, तो उत्तर कोरिया रहा है। कौन, उत्तर कोरिया रहा है, दक्षिण कोरिया नहीं दोस्तों, उत्तर कोरिया रहा है। बात करें विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में, तो प्रथम स्थान पर कौन रहा है, फिनलैंड। भारत का कौन सा स्थान रहा है, 136वां, और 2021 में 139वां स्थान था। बात करें कि अंतिम जो है, मतलब 146 देशों की सूची जारी की गई है, और 146वां देश कौन है, तो 146वां देश रहा है अफगानिस्तान। मतलब सबसे कम खुश देश कौन रहा है, अफगानिस्तान रहा है। चलिए आप देख लेते हैं दोस्तों कल के प्रश्नों को। तो कल के प्रश्न में था, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन, आप लोगों ने उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपका, ये है हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पर बेंगलुरु है, तो RBIH मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी किया गया, बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में, और विजेता जैन यूनिवर्सिटी बनी है। बेंगलुरु में ही आर्ट पार्क भी खोला जा रहा है, और डिजिटल वाटर डेटा बैंक भी कहां, बेंगलुरु में। बात करें भुवनेश्वर में, तो यहां पर जो खोला जा रहा है दोस्तों, ये है आपके आदिवासियों के लिए पहली स्वास्थ्य वेधशाला, कहां पर,
भुवनेश्वर में खोली गई। वाराणसी की बात करें तो स्किल इंडिया इनोवेशन सेंटर खोला जा रहा है, ठीक है, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए। तो आपका यहां पर जो उत्तर सही है वो है हैदराबाद। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं, आपको पता है कि हाल ही में बिप्लव कुमार देव ने क्या किया, इस्तीफा दिया है, और इनकी जगह पर कौन बनाए गए, डॉक्टर माणिक साहा बनाए गए हैं। एन बीरेन सिंह दोस्तों कहाँ के हैं, आप लोगों ने उत्तर दिया है मणिपुर, ठीक है। और प्रमोद सावंत कहाँ के बनाए गए हैं, गोवा के सीएम बने हैं, ठीक है। तो ये रहा कल का प्रश्न। आज के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के दिवस आपको लिखने हैं। SEA मतलब साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों देश जो दिए हैं ये इसी खेल के मेजबान होंगे, लेकिन कौन किस सन में होगा ये आपको बताना है कि कौन कब इसकी मेजबानी करेगा। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस दोस्तों। सेशन आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।